नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी बेटी रेशमा पर बुरी नजर डालता है, हैं? भाग कर जाएगा कहां? मालिक, 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 क्या हुआ? लगता है मालिक रफू चक्कर हो गया साला। उसके तो सारी गर्मी निकालनी है मुझे। जाओ पकड़ कर लाओ उसे। जी मालिक। ए, चलो रे। हाँ हाँ चलो चलो, चलो। मामला जबरदस्ती का था या रजामंदी का? ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी किया उसी ने किया। आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो मुझे मार ही डालते। उस लड़की ने क्या किया था तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया था उसने। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं जाता हूँ। ओ लाला, ओहो मैडम आ गई। आजकल बड़ी बनठन कर निकलती हो, क्या पूरे शहर को शहीद स्मारक बनाना है? कतार में हम भी हैं। सही कह रहे हो, पर मैडम हमें क्यों भाव देगी? घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है। मैडम जब लड़के पड़ोस में हो तो ढिंडोरा शहर में क्यों पीटती हो? अरे हमारी जवानी नहीं दिखती क्या तुमको? गेट बंद कर लो, कहीं कुत्ते भौंकते हुए अंदर ना आ जाएं। मतलब हम कुत्ते हैं? कुत्ते बहुत पसंद हैं। क्यों तंग कर रहे हो मैडम को? तेरी मैडम तंग करने का मौका ही कहां देती है हमें। कल्याणी देखना, तेरी मैडम के साथ तुझे भी उठा कर ले जाएंगे हम। कब ले जाओगे? जब तू कहे।
मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं जाता हूँ। ओ लाला, नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गया, भूखा प्यासा मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। आंखें खोली तो मेरे सामने जूतों और चप्पलों का ढेर लगा हुआ था। इस तरह जूतों का रखवाला बन गया। इसमें से भी वहां का गुंडा आधे पैसे मार लेता है तो भी कोई गम नहीं, खर्चा पानी चल जाता है। आप अकेले ही मंदिर आई? आपके पति और बच्चे घर में हैं? आओ। आपका घर तो महल है, आपके पति और बच्चे कहाँ हैं? वो है मेरे बच्चे और मेरे पति ये हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नंद कुमार, लोग नंदू कहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? अब वो मंदिर ही मेरा घर है। क्या? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ? अपने मंदिर। आज शनिवार है ना, वहाँ चप्पलों का ढेर लग गया होगा। ये काम अच्छा नहीं है। दूसरा काम कहाँ मिलेगा? काम मैं दूँ तो करोगे? बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मंदिर से किसको उठा के लाई हो? ये दोनों ही कुत्ते हैं। अब मैं चलता हूँ। सुनो नंदू, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकते हो? नहीं, घर से डरता हूँ मैं। हर घर वैसे नहीं होते। यहाँ कोई रेशमा नहीं जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगी। तुम अगर यहाँ रहोगे तो मुझे मेंटल रिलीफ मिलेगा। बहुत खुशी होगी नंदू, क्योंकि मैं भी दुनिया में अकेली ही हूँ। पति के शहीद होने के बाद सारे रिश्तेदार मुझसे दूर चले गए। उनकी मौत की वजह वो मुझे मानते हैं, मुझे कलंकिनी मानते हैं सभी। और दूसरी तरफ ये दुनिया के लोग मुझे अकेली औरत को हर समय वासना भरी निगाहों से घूरते हैं। मुझे उनसे बचने के लिए तुम्हारे जैसे मर्द की जरूरत है, नहीं तो ये लोग कल मेरे साथ क्या कर बैठेंगे। मुझे नहीं मालूम किसको बताऊं ये सब। नंदू, काश तुम ये सब समझ पाते। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? आज क्या हो गया है मुझे? मैडम, चाय। चाय पीकर जाना। मैडम जी, सांस तो ले लो फिर बता। सुनो तो, अर्चना ने अपने घर में एक जवान लड़का रखा है। यार तुम रोज ही अर्चना का ही टॉपिक क्यों उठाती हो? और किसका टॉपिक उठाओ, एक वही तो है जो सज धज कर मोहल्ले के सीधे साधे पतियों को रिझाती रहती है। देखो राखी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। राखी,
मोहल्ले में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दिया करो। कैसे ना ध्यान दूं? दूसरी पत्नियों को देखो ना, वो अपने पतियों को उससे बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं। तुम भी तो मेरे एक ही पति हो, तुम्हें कैसे खो दूं? जानते हो तुम औरतें भी अजीब होती हो। जहां अपने से ज्यादा खूबसूरत औरत देखी तो समझो जलनी शुरू हो गई। बस बस, वो तो परी जैसी सुंदर है ना, तभी तो तुम उसी की ओर देखते रहते हो। देखती हूँ अभी ये पर्दा कैसे खुलता है। ए, ये बड़ी बड़ी आंखों वाली जादूगरनी होती है, मेरी फूफी कहती थी। ओफो, तुम्हारी फूफी अगर जिंदा होती तो हमारा 100% तलाक हो चुका होता। बंद करो ये फूफी का फंडा। जब भी अर्चना के बारे में बोलती हूँ तो चिढ़ जाते हो। हे भगवान, कहीं ये उसके चक्कर में फंस तो नहीं गए। फूफी मेरी मदद करना, मैं इन पर उसका जादू नहीं चलने दूंगी।